Recording is on. Physics class 11, chapter 1 पढ़ रहे हैं। chapter 1 के अंदर हमने भौतिक आशय मूल आशय देख चुके थे। हम बात करते हैं विमान के बारे में कि विमान का सूत्र क्या होता है, विमान कैसे बने जाते हैं, जो आपके लिए नया टॉपिक है, जो पहले कभी नहीं देखा होगा, इसको ध्यान से पढ़ें। ये क्लास 11 में भी आएगा, क्लास 12 में भी आएगा और नीट के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हम स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास में देखा था कि एम को द्रव्यमान जो मूल मात्रक से ही हम विरूपण मात्रक को बनाएंगे, हमने देखा था कि द्रव्यमान को हम एम से डिनोट करेंगे। द्रव्यमान के जो भी इकाई होगी, जो भी हम देख सकें द्रव्यमान का जो मात्रक है किलोग्राम, उसका जो भी होगा हम उसको एम से बताएंगे। ये हम उनकी क्लास में देख चुके थे, द्रव्यमान एम बोले द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, जहां पर उसका मात्रक किलोग्राम दिखे तो द्रव्यमान उसका मूल राशि है या उसका मूल मात्रक किलोग्राम है, हम बताएंगे क्या है। ये हम देख सकते हैं फिर एम ये किसका है, ये लंबाई का मात्रक, मात्रक क्या दिखे मीटर, जहां भी मात्रक मीटर देखे कहीं बोले कि लंबाई का मापन देखे वहां हम एल यूज करेंगे। द्रव्यमान के लिए एम, लंबाई के लिए एल और समय के लिए हम यूज करेंगे। तो हमने देखा कि द्रव्यमान किलोग्राम एम, लंबाई एल के लिए एम के लिए कैपिटल एल और समय के लिए हम टी यूज करेंगे। तो विमान का सूत्र जो हमारा बनेगा, विमीय सूत्र जिसे बोलते हैं हम वो भी विमीय सूत्र, ये सारी जो राशियां है वो मूल राशियां है ना, ये बोल सकते हैं मूल मात्रक, उन्हीं से हम विमान मात्रक बनाने की कोशिश करेंगे। तो विमीय सूत्र, इन विमीय सूत्र जो हम लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं, एम की पावर ए, एम की पावर बी, टी की पावर सी। यहाँ पावर क्या होती है धीरे धीरे समझ में आएगा, आप इसे इतना देखें इसको कैसे क्या होता है, कैसे मात्रक आते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, कैसे उदाहरण से हमें समझ में आ जाएगा। हम कम से कम 20 या 25 उदाहरण करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि वास्तव में विमान का सूत्र कैसे बनता है। एम ए की पावर ये बताता है कि द्रव्यमान का कितना है, ये दो बार होगा तो हम एम टू बताएंगे, लंबाई दो बार होगी एल बी एल टू बताएंगे, समय दो बार होगा टी टू बताएंगे। हम उदाहरण से चलते हैं तो और ज्यादा हमें समझ में आएगा। हम उदाहरण लेते हैं, फर्स्ट उदाहरण लेते हैं, हम लेंगे क्षेत्रफल, टेबल बनाएंगे अब इसे समझने के लिए। देखो क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमें पता है, क्या होता है एक जनरल फॉर्मूला होता है लंबाई इनटू चौड़ाई, क्या होता है लंबाई इनटू चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई का मात्रक भी क्या मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी हम क्या लेंगे मीटर, लंबाई का भी मात्रक लिया हमने क्या मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है मीटर। देखो लंबाई का मात्रक हम मात्रक लिख रहे मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक क्या मीटर। तो मीटर और मीटर, एम के लिए मैंने क्या बताया है एम के लिए क्या होता है एल, एम के लिए क्या होता है एल, इस वाले एम के लिए क्या होगा एल, कितना हो गया ये एल। मैंने बताया कि अगर आधार समान होता है तो गाते जुड़ जाते हैं, तो सी को कितना हो गया सेंटीमीटर भी होता है लेकिन सेंटीमीटर हमें सीजीएस में जाना है, एमकेएस में जाना है, क्योंकि सीजीएस तो हो या एमकेएस में लंबाई के लिए हमें हमेशा क्या लेना है लंबाई चौड़ाई का भी हो, इससे लंबाई में ही माप लिया जाता है, इसका भी हो गया एल, इसका भी हो जाएगा एल, ये मीटर का एल वन, इस मीटर का भी एल वन, समान आधार है गाते जुड़ जाएगी एक और एक कितना हो जाएगा दो। तो इसको कंप्लीट विमीय सूत्र विमीय सूत्र बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। अब विमीय सूत्र बोले क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या बोलेंगे हम,
एम जीरो एल टू टी की पावर, अगर लंबा नहीं है तो स्वीकार जीरो, लंबाई की घात दो आई दो और टी की पावर, ये हो गया छत पर। और आगे समझे उदाहरण नंबर दो, आयतन आएगा धीरे देख रहे इधर फोकस करें, आयतन क्या होता है बच्चा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ये आगे होता है, अच्छा ना लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, वही लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, तो ऊंचाई का मात्रक भी क्या होता है मीटर, यही मात्रक होता है। तो लंबाई मीटर एम के लिए हमेशा क्या बताते हैं एल, इस एम के लिए हो जाएगा हमारा एल, इस वाले एम के लिए हो जाएगा एल, इस वाले एम के लिए हो जाएगा। तो एल ए ए दो ए को ले दो दो ए तीन, यहाँ पे समान आधार है तो यहाँ पे घूम जाएगी तो कितना हो जाएगा ये, और कंप्लीट आंसर बताएंगे इस प्रकार से, एल की पावर जीरो, एल की पावर थ्री, ए की पावर जीरो, ये इसका बीबीएस सूत्र, ठीक है ना। मुझे पता है तुम्हारे लिए नया है सर, और तो उसे क्या है ये बीमार है उनको बताना आना चाहिए, ये एग्जाम पूछे जाते हैं, सीखो इसको पहले कैसे होता है क्या है। मीटर के लिए हम एल यूज करेंगे, समय के लिए टी यूज करेंगे, और किलोग्राम द्रव्यमान के लिए हम यूज करेंगे। अब क्षेत्रफल के लिए हम लंबाई में चलने वाला क्या और आयतन के लिए निकले, इसको उतारो हम और आगे बढ़ेंगे, उसको मैं उतारता हूँ पावर है 1
एल की पावर है माइनस थ्री, पी का कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया ठीक है। एक और समझो, चार बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी बटे समय, तय की गई दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी क्या होता है मात्रक मीटर, और समय का क्या होता है मात्रक सेकंड। देखा है दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो मीटर को हम बताते हैं किससे, एल से, और समय को बताते हैं टी से। यहाँ एक है तो एक लिख ले, समय का भी लिख ले, ये ऊपर लगे क्या बन जाएगा एल वन टी की पावर माइनस वन। कंप्लीट अगर सूत्र बनाना चाहो एम की पावर जीरो, एम की पावर वन, टी की पावर, ये चार का क्या हो गया बीमीय सूत्र। ध्यान रखिए हम पढ़े क्या है बीमीय सूत्र, ठीक है। देखो देखो चार के पास सेल जो बात है वेग की, सेल होता है कि वेग क्या होता है विस्थापन बटे समय, दूरी हो या विस्थापन, दूरी ज्यादा राशि होती है विस्थापन सदी राशि होती है, लेकिन मात्रक तो सेम होता है ना, मात्र यहाँ भी मीटर जाति क्या रहने वाला है मीटर, समय का मात्र क्या है समय का मात्र सेकंड है, तो मीटर क्या हो गया एल, सेकंड क्या हो गया कुछ नहीं पावर वन हो गया, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एल वन ई माइनस वन, कंप्लीट बीमा हो जाएगा हमारे पास माइनस वन। अब आधार सेम है,
ए को लेके कितना हो जाएगा दो एल वन माइनस एट माइनस एट तो कंप्लीट इनवर्स का कितना हो जाएगा हमारी कोई बोलता है कि सर मुझे इसका तो मात्र याद है तो मात्र से कैसे बना बना रहे मात्र को बना सकते हैं बना कैसे देखो क्या उनका मात्र क्या होता है जब उनका मात्र क्या होता है उसका मात्र जो होता है जब उनका वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है जब उनका मात्र क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर का होता है एल1 मीटर क्या होता है एल1 और सेकंड स्क्वायर सेकंड क्या होता है ठीक है ना मीटर का होता है एल1 और सेकंड स्क्वायर सेकंड क्या होता है टाइम का स्क्वायर है एम का लिखते हैं एम एस का लिखते हैं टी टू है तो टू मान लेते हो वन और जो ऊपर जाएगा कितना बन जाएगा एल वन टी माइनस टू फाइनल आंसर क्या हो जाएगा एम कुछ नहीं है तो जीरो हो जाएगा बात ये ठीक है किसका हो गया बल का विशेष सूत्र डायरेक्ट याद रखें कि बहुत जगह डायरेक्ट काम में आएगा सबको याद रखना है बाकी हमें क्या करना है इनके बनाना सीखना है तो कैसे बीमाएं बनाई जाती है बल का देखते हैं बल का बीवी से फिर बात करते हैं बल का सबसे पहले बात करेंगे बात बल का मतलब क्या होता है द्रव्यमान क्या होता है बल का मतलब द्रव्यमान द्रव्यमान का मतलब क्या होता है बता क्या किलोग्राम द्रव्यमान को क्या से मूल राशि और तरल का अभी निकाल सकते हैं डायरेक्ट हम मात्रक से भी निकाल सकते हैं और सूत्र से भी हम निकाल सकते हैं मात्रक से हमें निकालना क्या है एल वन टी माइनस टू ठीक है तो क्या होता है चलो बीस मीटर पर पल का ये मात्रक भी है और पल का दूसरा मात्रक क्या होता है न्यूटन भी होता है क्योंकि न्यूटन बाबा ने हमारे फिजिक्स के जो बोर्ड बोला जाता है सर आइजैक न्यूटन तो नहीं बोलेंगे क्या बोलते हैं क्या सर आइजैक न्यूटन क्योंकि फिजिक्स क्या है वो बोर्ड कहलाते हैं क्या कहते हैं वो जिसने बोर्ड क्योंकि फिजिक्स के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया बहुत कुछ मतलब वो खोजे करे हर चीज में फिजिक्स में न्यूटन का नाम सुना ही होगा धीरे से आगे पढ़ेंगे न्यूटन बाबा बार बार तो फिजिक्स के लिए क्या बोलते हैं न्यूटन बाबा क्या बोलते हैं न्यूटन बाबा क्या बोलेंगे क्योंकि ये सर आइजैक न्यूटन ने बल के बारे में बताया था इसीलिए उनके नाम के रूप में हमें बल का मात्र कहते हैं क्योंकि उपलब्धि के रूप में ठीक है ना इसीलिए मात्र क्या था जो हम कह लेंगे न्यूटन लेकिन वास्तविक मात्र क्या था इसको अगर लाशों से देखे तो ये होता है इससे आता है उनके नाम से अब किलोग्राम में क्या होता है द्रव्यमान का एम वन मीटर का क्या हो गया एल वन सेकंड स्क्वायर है बटे में तो क्या हो गया एल वन ये ऊपर जाएगा टी की पावर माइनस ये हो गया बल का विनिमय सूत्र जो हमें डायरेक्ट बल का विनिमय सूत्र डायरेक्ट याद रखना है फिर बोल रहा हूँ तो बार बार पूछूंगा कि बताइए बल का विनिमय सूत्र क्या है और बहुत जगह किताब में आने वाला है बल का विनिमय सूत्र m1 l1 t - 2
याद रखें क्या होता है x बार, क्या देखो x बार मतलब 112 112, लेकिन याद रखें x बार ये माइनस m1 l1 t माइनस m1 l1 t माइनस, ठीक है, ये हो गया बल का संवेग, क्या संवेग, संवेग का सूत्र द्रव्यमान इनटू वेग, और अब हम ये सूत्र p इक्वल टू m इनटू v था यार पेन में, हाँ तो देखा है पेन में था ये संवेग का सूत्र, हो सकता है भूलते हो लेकिन इसे जरूर था कि संवेग का होना है द्रव्यमान इनटू वेग, फिर बोला हमें सूत्र नहीं याद रखना, हमें मात्र याद रखो, बीमार आराम से बन जाएगी, द्रव्यमान की बीमार द्रव्यमान का मात्र किलोग्राम, वेग का मात्र है मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम का हो जाता है m1, मीटर का हो जाता है m1, समय का हो जाता है t1, तो फाइनल आंसर बन गया हमारे पास m1 s1 बल की मात्रा क्या होती है,
नाले की ना रखे बल्कि हिमायत टू समय का बताइए क्या हो गया देखो देखो नहीं पहले को देखिए माइनस दो प्लस एक बड़ी संख्या माइनस में घटेगा लेकिन कितना आएगा नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं लाभ क्या होता है बल होते पढ़ाया क्यों बोला मैंने पता बल का मैं बस देखोगे कि ज्यादातर बल का विभिन्न सूत्र डायरेक्ट नहीं पूछते हो आवेग में बल का आते जाता दाब में बल का आते जाता हम वहां पर निकालना ना सीखे कि द्रव्यमान इनपुट टर्मिनल टर्मिनल का भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इससे क्या पता चलता वन वन माइनस टू वन वन माइनस टू वन वन माइनस टू कैसे क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है यानी पर क्या होता है एम वन का हो गया एल वन है ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का टू टी की पावर माइनस टू कितना हो गया ये एम वन एक में से माइनस हो गया तो माइनस का है ये हो गया आवेग का दाब का कुछ मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ होमवर्क दे रहा हूँ ये होमवर्क में तुम्हें मुझे कल बताइएगा मैसेज कर दे मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना सर इसका सूत्र आ गया नहीं सर हमारे वापस को दिखा दूंगा इस नंबर पे मैं लिख रहा हूं अपने ठीक है ये नंबर है इस नंबर पे मैसेज कर दो सर संबंध में आ रहा है कि वापस को तो कुछ एग्जांपल है उदाहरण तो मैं बता रहा है कल सबसे पहले कार्य का मुझे इस नंबर पर चाहिए जा करना साहब लाभ नंबर का लाभ बटे दूंगी ठीक लास्ट एक और दूसरी है जल्दी से देखो तो हम लोग पढ़ा ठीक है थैंक यू बच्चों बाय बाय